दोस्तों आपको पता ही था कि जीना हमारी बच्चे देने वाली है और उसकी जो डेट है ना वो आ ली है, आज या कल वो पक्का बच्चे देने वाली है, ये चीज तो हमें कंफर्म पता है। यहाँ पर हम उसको बच्चे नहीं देने देंगे क्योंकि यार यहाँ पर आपको पता ही है यार, एक तो लालो के बच्चे तो सारे मर गए थे, लालो भी मर गई थी और डिवन की बेटी भी यहाँ पर थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है, कभी भोंकती है, कभी बच्चों को भी वो थोड़ा मतलब कर देती है यार इधर उधर, तो इसलिए हम जीना को आज घर ले जाने वाले हैं। अंशुल भी यहाँ आया हुआ है ना, तो अंशुल और मैं जीना को घर लेकर जाने वाले हैं। जल्दी से कैनल के पास गाड़ी लगाते हैं और फटाफट से चलते हैं जीना को लेकर घर पर। जीना, जीना को ले आओ। हाँ लेकर बांध दी होगी पापा ने। अबे इसमें से पट्टी भी तो देनी है, घोड़े की जो पट्टी निकल गई थी। अरे चाबी यार अंदर है, अभी लेनी जरूरी है, कह रहे क्या पापा? बोल तो रहे थे, चला जा अंदर, आ जाना तू भी। आ रहा हूँ, मुझे भी अंदर जाना ही पड़ेगा। तो यार अभी अंशुल युवराज को उस वाले घर से निकाल कर इस वाले मतलब इसके जाल में शिफ्ट कर रहा है, लेकिन उसको प्यास लगी है ना, वो वहां पर देखो पानी पीने चला गया सीधा। लचा भी दे स्कूटी, इसे पकड़ो, चल छोड़। तो ये वाला जो हमारा कट्टा है ना, ये पिछली वाली सीट पर बिछा दिया जाएगा, उसके बाद जीना इसके ऊपर बैठ के जाएगी, क्योंकि यार हमारे पास कुछ और है नहीं ना। अगर नहीं बिछाया तो भाई ये सीट गंदी हो सकती है पूरी। इसको बस जल्दी से यहाँ पर बिछा देता हूँ मैं। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल अब ठीक है, जीनस के ऊपर बैठकर आराम से चली जाएगी घर पर। दोस्तों ये वो वाली पट्टी है जो हमने उसके पैरों पर बांधी थी ना, जिससे वो चोट वोट ना मार ले खुद को, लेकिन ये रास्ते में खुल गई थी तो मैंने स्कूटी में रख ली थी। ये इसको वापस यहाँ रख देते हैं। यहाँ पर जीना तैयार हो रही है घर पर जाने के लिए। चल भाई ले आ, यहीं से घुस जाना अंदर, हो गए तैयार। मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ। इतने तैयार हो चुकी है हमारी जीना, उसके बाद अंशुल उसको लेकर आ रहा है। यार गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए मेरा बस ऐसा मन कर रहा है जल्दी से जल्दी गाड़ी के अंदर बैठ जाऊं और फिर घर पहुंच जाऊं। देखिए यार सूरज कहाँ पहुंच गया, बिल्कुल छत पर, बिल्कुल सर पर पहुंच चुका है सूरज। बहुत गर्मी लग रही है और प्यास भी लग रही है। जल्दी तैयार कर यार अंशुल इसको। चल 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 चल, रुक जा गेट खोलता हूँ, रुक जा। जी ना आज अंशुल जल्दी आ जा यार। बस भाई घूम ली, आजा। ले आराम से चल, खुद चढ़ जाएगी, खुद चढ़ जाएगी, बस थोड़ा सा इशारा कर दे इसको। चलो अंदर सर। गेट तो पकड़े यार। जी ना चलो अंदर, चलो चलो सर, चलो अंदर, चलो 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 जी ना चलो अंदर, चलो। ये खुद ब खुद यहाँ पर चढ़ जाएगी, सीट आगे कर दियो। बस 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 जी ना ऊपर आ जाओ, यहाँ पर ऊपर आ जाओ, आ जा यहाँ पे आ जा जी ना, इधर। ये खुद चढ़ जाएगी यार, जब गाड़ी चलेगी ना अपने आप चढ़ जाएगी। गाड़ी की एसी जल्दी चालू करता हूँ, जीना को गर्मी लग रही होगी ना। भाई हमारी एक बार के लिए चल जाएगी, लेकिन ये माँ बनने वाली है ना। चल 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 जल्दी चल, एसी तीन पे चला दे फुल, चले चले जीना, चलो उतार आराम से, ठीक है। ये तो ऊपर बैठी नहीं, साइड उतार ले, घूम जाएगी आराम से जी ना। चलो बस आराम से, बहुत आराम से, बहुत आराम से, बस 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 गेट लगा दे। और पापा जी ने बोला था कि इसको बहुत प्यार से ऊपर चढ़ाना है, वरना दिक्कत हो सकती है ना, बच्चे हैं इसके पेट में। मम्मी गेट खोलो जल्दी, भाई गर्मी गर्मी गर्मी। चलो चलो जी ना अंदर, अभी फिलहाल के लिए इसको यहीं बांध दे, वहां बांध दे विंडो से उधर। जी ना सिट सिट सिट, बस बैठ जाओ। ये कहना तो मान लेती है कम से कम, इसको प्यास लग रही होगी यार, इसके लिए पानी लाते हैं। शिट 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 शिट, भाई ये मछलियों को क्या हो रहा है? ओ शिट यार, ओ खोड भाई साहब, भाई पता नहीं यार इन दोनों फिशों को आज क्या हो रहा है, इतने ज्यादा गुस्से में है ना ये दोनों, पता नहीं यार क्या हुआ इन्हें अचानक, ये इतना ज्यादा उछल कूद कर रही हैं, कभी यहां टक्कर मार रही हैं, कभी यहां टक्कर मार रही हैं, इनको भूख लगी है क्या? लेकिन सुबह तो मैंने इनको दाना डाला था यार, और लाते हैं इनके लिए दाना। भाई जल्दी से खुराक खाओ, चलो
चलो जाओ, चलो 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 चलो, ये सही है, ये तरीका है इनको भगाने का, चलो। लो भाई जीना, इस साइड नहीं, इस साइड, आराम से आराम से आराम से आराम से, कूदना तो तुम्हारे लिए बहुत बेकार है, आराम से पानी पी लो बस। दोस्तों शाम हो चुकी है और पूरी दोपहर हमारी जीना नीचे रही थी, क्योंकि इसके लिए पहले कूलर वगैरह लगेंगे ना, सारी चीजें इसके लिए पहले सेट होंगी, उसके बाद ही ये ऊपर जाएगी छत पर, क्योंकि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ये गर्मी में रहे 1% भी। तो जल्दी से मैं इसको एक बार घुमाकर सीधा ऊपर लेकर चलता हूँ। जीना आराम से, बस 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 आराम से, चलो 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 बाहर बाहर, चलो बाहर आराम से आराम से आराम से। अब हमें बड़े ही आराम से जीना को ऊपर चढ़ाना है। जीना आ जाओ, जीना चलो आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, चलो 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 बस 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 बस। अरे अरे कूद कूद के उड़ चल रही है यार ये तो, जितना आराम से सोचा हुआ है वही तो और ज्यादा कूद के चल रही थी। मम्मी बताओ कहाँ बांध रहा है इसको। हाँ जी यार, मम्मी अभी आएंगी, इतने हम इसको पीछे लेकर चलते हैं। मम्मी ने पीछे की देखे यार किस तरह से सफाई कर दी है, पूरी छत साफ कर दी है मम्मी ने, गेट लगा कर इसको खोल देते हैं। जीना चलो अंदर, चलो 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 चलो। हाँ इधर इधर इधर, कहाँ कहाँ कहाँ, जाओ खेलो चलो जाओ। यार बस एक दिक्कत है, जीना को ना मुझे एक बार डक्स से मिलवाना है, मैं देखना चाहता हूँ कि जीना डक्स को हार्म तो नहीं करेगी कुछ, वैसे करना तो नहीं चाहिए ना कुछ। आ जाओ डक्स बाहर आ जाओ, चलो आ जाओ, चलो भाई चलो चलो, चलो। और अरे चलो चलो भाई, ये सही है कि जीना भी इनको खुश नहीं करी। मुझे लगता है कि शायद कोई से भी डॉग डक्स को कुछ कहता ही नहीं है, बीगल ने भी कुछ नहीं कहा था उन्हें, और जीना भी कुछ नहीं कह रही है, बल्कि जीना तो बीगल से काफी ज्यादा बड़ी है ना। और दोस्तों आपको मुझे एक बहुत ही प्यारी सी चीज दिखानी है, इस दिन के लिए ना इतना ज्यादा वेट करा था मैंने और आज वो दिन आ गया है भाई, सच में बहुत ज्यादा प्यारी खबर है, अभी दिखाता हूँ। हाँ भाई एक सेकंड बस अलग हट जाओ यार, मुझे कुछ देखना है। तुम हटोगी 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 हटोगी, आह ये देखें भाई, अरे आराम से बच्चा दब गया तुम्हारा यार, हटना एक बार हटो, मुझे मारो मत यार। गाइज ये देखें यार, हमारी कबूतरी के दो दो बच्चे आ चुके हैं भाई। अरे यार वो नीचे दब गया, क्या कर रहे हो तुम भाई, इनके अच्छी तरह से तुम्हें केयर करनी है, ठीक है। चलो इन पर बैठो, इनको इनक्यूबेट करो या जो भी करो, इनको अच्छे से दाने पानी खिलाते रहना। हमें ये तो पता नहीं कि ये शिराजी के ही बच्चे हैं या फिर जो इसका पहला पार्टनर था उसके बच्चे हैं, ये तो बड़े होने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन खुशी इस बात की कि हमारे दोनों अंडे बिल्कुल सही निकले, कोई सा भी ऐसा नहीं निकला कि अनफर्टाइल था या जिसमें से बच्चा नहीं निकलता बेकार हो गया, ऐसा कुछ नहीं था, दोनों ही बच्चे हमारे बिल्कुल सही हो गए। यार तुम कब दोगी, और भाई तुम यार, तुम्हारा बॉक्स ये इतने सारे मैंने खोल रखे हैं, किसी ना किसी के तो अंदर जाओ यार, चलो 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 जाओ 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 जाओ, शाबाश। अरे यार चलो ये अपना आप चला जाएगा। मैं जीना क्या हो गया, चलो चलो चलो, दूसरा बच्चा भी निकाल दिया उसने, कबूतरी ने, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। अरे कुछ नहीं कहने की, तुम मेरी यकीन तो करो बात का। अरे अगर कहती तो हमारे सामने नहीं कह देती अभी तक ये। जीना कुछ कहोगी थोड़ी, बत्तखों को कुछ कहोगी थोड़ी, मना कर रही है बताओ। यार मम्मी को ये डर हो रहा है कि जीना ना डक्स को खा सकती है या फिर अटैक कर सकती है इन पे। अरे 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 यार सही कह रही थी मम्मी, इनको यार अंदर ही कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। चलो 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 चलो, ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ 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 जाओ। पता नहीं वो पर किसके पड़े हैं यार, जानो एकदम गेट लगा देना। ये पर आखिर है किस चीज के, ये किसी वैसी है यार, इनके नहीं है ये पर। यार एक और फिंच गायब हो गई, पता नहीं कहाँ गई, चार बची हैं यार, मैं आठ लाया था यार। ऐसी कोई जगह तो नहीं मम्मी, यहाँ से कहाँ से निकलती हैं यार चिड़िया, अब यहाँ से निकलेंगी तो वो अटक नहीं जाएंगी यार, नीचे को भी इतनी जगह नहीं है। पता नहीं यार मेरा मूड खराब हो गया फिर से। दो तीन चार पाँच छह बजीज तो हमारी पूरी है, गेट खोलो, कर दो बंद कर दो बंद कर दो बंद कर दो बंद। जीना एक फिंच और गायब हो गई यार, क्या कर रही हो, तुम्हारे हाथ में एक फिंच गायब। पता नहीं यार हमें शायद थोड़ी सी और सेफ्टी बरतनी पड़ेगी, वरना ऐसे तो हमारी सारी फिंचेस ही गायब हो सकती है किसी दिन। पौधों को पानी दे दिया हाँ। सबको, ये अमरूद का पौधा मम्मी सूखने वाला था लेकिन हमने इसे बचा लिया, अब भी सूख रहा है।
अब कहाँ सूख रहा है यार, देखना। जब मैंने इसको पहले देखा था ना वहां से आके, इसके सारे पत्ते नीचे मुरझाए हुए थे, लेकिन अब कम से कम दोबारा मतलब सीधे तो हो गए। बस देखना ये है कि यार ये अब पूरी तरह से ना सूख जाए, थोड़ा बहुत भी चल जाए तो ठीक है। मम्मी ये जो बेल है ना, ये गमले में नहीं रहेगी काफी दिन तक, मतलब रहेगी तो गमले में लेकिन यहाँ थोड़ी रहेगी, ये हमें कहीं लगाना पड़ेगा, यहाँ से ऊपर। खरगोश जिस दिन भी खुल गए ना, सारी के सारी को काट देंगे। या तो एक काम करते हैं, वहीं से लटक जाएगी। या तो ऐसा कर सकते हैं कि वहीं से ना, वहीं इसको छोड़ दें और वहां से ऐसी इधर उधर रस्सियां फेंक देंगे। वैसे ये पाइप भी रखे हैं ना, ये शायद पाइप्स पे भी चल सकती है। तो ऐसे ही करेंगे कि इसको यहीं पर रखा रहने देंगे कुछ दिन के बाद। क्या ये तो वो कह रहा था कि सारे में फूल ही फूल हो जाएंगे, बहुत बड़ी हो जाएगी है ना। चलो देखते हैं कितनी बड़ी होती है, अभी तो बहुत छोटी है। वैसे वो वाला जीना का घर ये होने वाला है। यहाँ पर कूलर कहाँ रखा जाएगा? बीच वाले में कूलर होगा, इस वाले में जीना होगी। जीना अंदर चलना, अंदर जाओ जीना, अंदर चलो, चलो अंदर चलो। ये है जीना का घर। जीना सिट, शाबाश। बस इधर हमने इसको इसलिए रखा हुआ है क्योंकि यहां से हवा भी आती रहेगी और ज्यादा घुटन भी नहीं होगी। चलो आ जाओ बाहर। जीना, हे जीना, अरे अरे चलो चलो यहां से। यार जीना इस चिड़िया को ना बड़ी बुरी तरह से घूर रही है इसका। यार मुझे अब तो डर लग रहा है कि ये पक्का कुछ ना कुछ करेगी, ये शांति से नहीं बैठेगी। बस मैं सोच रहा हूँ कि इसको यहाँ थोड़ी सी आदत पड़ जाए मेरे सामने। इसने पहले कभी ये चीजें देखी नहीं होंगी ना, चिड़िया जाल के अंदर बंद होना और ये खरगोश तो अभी खैर दूसरे वाले केज में बंद है। ये लव बर्ड्स भी हैं, कबूतर भी हैं, डक्स भी हैं, सबके साथ इसको एडजस्ट होना पड़ेगा वरना यार ये तो दिक्कत कर देगी। जीना प्लीज यार तुम कुछ मत करना। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दिस इज अभिनव हूं, ओवर एंड आउट।